रामपुर थाना कैमरी क्षेत्र के जनुनागर गांव में एक स्कूल में जो है पर्यावरण को लेकर जो है एक जागरूकता अभियान चलाया गया और संकल्प लिया गया कि हर इंसान हर व्यक्ति जो है पौधा लगाए, पर्यावरण को जो है प्रदूषित होने से बचाए। क्योंकि ज्यादातर आप देख सकते हैं कचरा कूड़ा और पन्नी से जो है जलाकर जो है पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, उसी को लेकर आज एक संकल्प लिया गया है। इस कार्यक्रम में जो है कई जो है लोग जो है शामिल हुए, उन्होंने अपने विचार रखे। हालांकि आपको बता दें, इस मामले में जो है पर्यावरण को लेकर जागरूकता चलाना और उन छात्र छात्राओं को बताना जो देश का भविष्य है, स्कूल के ही सारे छात्र वहां मौजूद हैं, उनको पर्यावरण के बारे में समझाया गया, बताया गया और साफ ये भी कहा गया कि हमारे लिए पर्यावरण यानी पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं, तो इस पर भी रोशनी डाली गई। तो अच्छा कार्यक्रम था, उसको लेकर जो है आज जागरूकता अभियान चलाया गया और संकल्प लिया गया कि हर व्यक्ति हर नागरिक देश का जो है एक पौधा जरूर लगाए और पर्यावरण को बचाए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संयोजक जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और इस विद्यालय के अंदर प्यारे भैया बहन शिक्षार्थी बंधु, ऐसे इस कार्यक्रम में आए समाज के सभी सज्जन बंधु, हम देखते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण को लेकर के समाज के अंदर अन्य अन्य प्रकार के संगठन एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन आज फिर भी एक पर्यावरण की बहुत बड़ी एक समस्या बनकर के समाज के बीच खड़ी है। और ये हम सबको भी विदित है कि हम सब पर्यावरण पर ही निर्भर हैं। अगर पर्यावरण ठीक है तो हम सबका जीवन सुरक्षित है, लेकिन आज फिर भी इन सब बातों को जानते हुए भी अपने जीवन के अंदर हम ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। क्योंकि आज समाज के अंदर लोगों ने जीवन में करनी और कथनी में बड़ा अंतर आया है और वो कैसा अंतर है वो हमको समझना होगा। भारत के अंदर एक विचार है, एक संस्कृति है, वो संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। और ऐसा भाव लेकर के चलने वाली संस्कृति, वो संस्कृति का आप सबने नाम सुना होगा, उसको कहते हैं हिंदू संस्कृति। ऐसे हिंदू संस्कृति और आप बात करें प्रकृति, तो दोनों का लगभग एक जैसा मेल है। और वो प्रकृति है तो उस प्रकृति के अंदर देखने में आ रहा है, उस संस्कृति ने प्रत्येक अपने ऐसे पर्यावरण से जुड़ी चीजों को बचाने का काम किया। चाहे वो आज हमें साइंस बता रही है कि पीपल का वृक्ष, आज पीपल का वृक्ष हमको ऑक्सीजन देता है, ये किसने बताया, ये हम सबको विदित है। घर में बहुत अभी आग्रह चल रहा है, ये अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए। आज कहते हैं जी हिमालयों को बचाना है, आज जी समुद्र का यानी ग्लेशियर और तमाम प्रकार की चीजें समाज के अंदर विषय आ रहे हैं। तालाबों को बचाना है, तालाबों का पूजन, कुआ पूजन, ऐसे समाज के अंदर अन्य प्रकार की चीजों को उन्होंने जोड़ा। लेकिन आज भारत के अंदर एक ऐसे विचार के लोग कहते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है और बहुत प्रकार के देश पूरे विश्व के अंदर कह रहे हैं जी हमको सुपर पावर बनाना।